नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल डिजिटल ट्रेडर अतुल। आज हम बात करेंगे कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50। यह मेरा एक सब्सक्राइबर की तरफ से कमेंट आया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सिनेरियो क्या है, तो आज हम इस टॉपिक को एलोबरेट करके अच्छी तरह समझने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो नए लोग होते हैं, बिगनर्स होते हैं शेयर मार्केट में, तो उन्हें समझ नहीं आता कि ये फ्यूचर्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, कॉल एंड पुट ऑप्शंस क्या होते हैं। तो क्या ये प्रॉब्लम है आपको समझ नहीं आ रहा? नहीं, किसी भी काम को आप जब शुरू करते हो तो आप उसकी लर्निंग लेते हैं, तो ये लर्निंग लेनी आपको आवश्यक है, अनिवार्य है। तो आपको यहाँ पे वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन उठ कर आता है सबके दिमाग में, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी क्या होते हैं? आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आपका बैंक निफ्टी एंड ये है आपका निफ्टी 50। तो दोनों हमारे ये इंडेक्स होते हैं मेन, जिन पे हम ट्रेड कर सकते हैं। आपने एक नाम और सुना होगा सेंसेक्स। तो सेंसेक्स क्या है? जिसमें बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं उसे हम सेंसेक्स कहते हैं। और निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में भी अलग अलग टाइप के स्टॉक्स हैं, अलग अलग टाइप की कंपनियाँ यहाँ पर होती हैं, लेकिन जो हम ट्रेड करते हैं वो निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में हम मेनली ट्रेड करते हैं। तो क्या हम इसमें डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी निफ्टी 50 है एंड बैंक निफ्टी है, ये हैं हमारी इंडिसेस। ये मतलब जो इनके अंदर स्टॉक है उन्हें शो करता है। तो हम ट्रेड किस में कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास टू टाइप के सेगमेंट निकल के आते हैं। फर्स्ट है आपका फ्यूचर। फ्यूचर्स में आप ट्रेड कर सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में। एंड सेकंड आपका आता है कॉल एंड पुट ऑप्शन। इन दोनों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कैसे आप इनमें ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के अलावा भी हमारे पास अलग अलग टाइप के इंडेसेज होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी ऑटो है, निफ्टी 500, निफ्टी एनर्जी, लेकिन ये ट्रेडेबल नहीं है। सिर्फ हम ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में। तो अगर आपको, मान लीजिए हमें फ्यूचर के हम सिनेरियो की बात करने वाले हैं, बैंक निफ्टी में करंट ट्रेड करना है, आपको यहाँ से दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप बाय कर सकते हैं या आप सेल कर सकते हैं। तो करंट सिचुएशंस के एग्जांपल के हिसाब से मुझे लगता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, कि मार्केट नीचे जा सकता है ड्यू टू कोरोना वायरस। तो यहाँ पे जो हमें करंट लेवल देखने को मिलता है 32,448 पे हमारा निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे अपने ट्रेडिंग पैनल में जाएंगे, सर्च करेंगे, कोई सा भी आप डीमैट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ज़ीरोधा यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें अकाउंट खोलना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो करंट लेवल पे जो हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक ट्रेड करता है 32,448, यानी हम मान लेंगे 32,500 पे इस टाइम पे ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो आपको करना है यहाँ पे सर्च मारना है बैंक निफ्टी FUT। अब यहाँ पे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो आपको जब भी फ्यूचर में ट्रेड करना होगा तो आपको यहाँ पे FUT ज़रूर डालना होगा। FUT का मतलब है फ्यूचर्स, और यहाँ पे आपको निकल कर रहे तो ये नॉर्मल है, निफ्टी फ्यूचर नॉर्मल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तीन सिनेरियो निकल के आएंगे। आपका एक अप्रैल का निकल का है जो करंट मंथ चल रहा है, मई का आएगा एंड जून का आएगा, यानी हमारे पास तीन मंथ के कॉन्ट्रैक्ट निकल के आएंगे जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये अब आपके ऊपर आ जाता है आप कौन से मंथ के लिए ट्रेड करना चाहते हैं। तो लगभग जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं सब करंट मंथ में ट्रेड करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अगले महीने ये ऊपर जाएगा इस महीने डिप के बाद, तो आप मई का पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम पकड़ते हैं करंट मंथ का इन द मनी का, तो आप देख सकते हैं जो करंट हमें दिखाई दे रहा है ये 1% डाउन कर रहा है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, बाय एंड सेल। अगर आपको लगता है यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो सिंपली आपको बाय कर लेना है। अगर आपको लगता है कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर ऑप्शन अप्रैल का यहाँ से नीचे जाएगा तो आपको सेल कर देना है। अगर हम बाय करके दिखाऊं तो जो आपको रेट दिखाई देगा, कम से कम आपके पास जो मिनिमम बैलेंस होना चाहिए, फ्यूचर्स को महंगे होते हैं फ्यूचर्स ऑप्शन से ज़्यादा, तो आप देख सकते हैं जो 1,60,000-70,000 आपके पास कैपिटल होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। इंट्राडे में अगर बात करते हैं, इंट्राडे में आपका काम यहाँ पे 90,000 में भी इजीली हो जाएगा। तो आप कैश में भी कर सकते हैं, इसमें इंट्राडे में भी कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत तकड़ा सेगमेंट है। जब तक आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज ना हो तब तक आप इक्विटी में ही ट्रेड्स करें,
बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में अभी ना आए अगर आप बिगनर हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना करो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप देख सकते हैं इसमें दूसरा ऑप्शन है सेल का, अगर आपको लगता है नीचे जाएगा तो आप सेल कर सकते हैं। अगर आपको दिखाना चाहूँगा नॉर्मल में इसका रेट भी कुल इतना ही यहाँ पे निकल के आता है। अगर मार्केट आपने सेल करा नीचे जाता है तो आपको यहाँ पे आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है अगर आपने सेल करा है तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा, आप पोजीशन एग्जिट भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की, मई के कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये जो करंट हमें ये देखने को मिल रहा है ये भी सेम रेट का मिल रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे फ्यूचर्स काम कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करना है फ्यूचर्स में तो आपको इनके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे आना पड़ेगा और इनके चार्ट पे आके ट्रेड करना होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप फाइंड करिए और इजीली इन पे आके ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, अब हमने ये कंप्लीट कर लिया सिनेरियो, अब सेकंड हम बात करते हैं कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन की। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर आपको कुछ अब भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर देना बिना कुछ ही दिक्कत के, यहाँ पे आपको हर कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा और सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन की। यहाँ पे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया फ्यूचर्स में वो निफ्टी बैंक का दिया, सेम सिनेरियो फिट होता है आपका निफ्टी 50 में, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। जैसे मैं दिखा भी देता हूँ आपको फ्यूचर्स का भी, निफ्टी 50 FUT आप डाल दीजिएगा, आपके सामने ये इसका कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, अभी निफ्टी 50 के कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। यहाँ पे ओनली फाइनेंस जो है हमारा फाइनेंस सेक्टर का, उसके ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स आ रखे हैं। करंट लेवल पे हमारे पास जो फ्यूचर में हम ऑप्शन कर सकते हैं वो सिर्फ बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। अगर ऑप्शन के लिए दोनों अवेलेबल हैं, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी 32,448 रुपये का चल रहा है। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि हम दिखा देंगे 32,500 का आप जैसे डालेंगे 32,000 सेम रेट डाल दीजिए, आपको यहाँ पे दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलते हैं। एक तो आपको मंथली कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेगा और जिस पे W लिखा आता है ये आपका होता है वीकली कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसे कि ये अप्रैल का मंथ चल रहा है, मुझे लगता है कि भाई इस वाली एक्सपायरी के दिन ये ऑप्शन ऊपर जाने वाला है, तो हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बाय का बटन दाब देंगे। लेकिन जो आपको रेट देना होगा, अब ये रेट आपको नहीं देना होगा, आपको रेट देना होगा इस ऑप्शन का रेट देना होगा जो चल रहा है 462 रुपये इस प्रीमियम के आपको पे करने होंगे, जो करीबन पड़ते हैं अगर हम देखें इसके वैल्यू 11,550। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो आपका जो प्रीमियम की वैल्यू है 462 से भर के ये भी ऊपर जाती रहेगी और उसी हिसाब से आपके पैसे यहाँ पे भरते रहेंगे। अगर ये नीचे जाती है तो आपके पैसे यहाँ पे घटते रहेंगे। तो ये तो हो गई कॉल ऑप्शन की बात। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन सेम देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा कॉल ऑप्शन देखने के लिए सेम ही उसी वैल्यू का, एक मिलेगा पुट ऑप्शन। अब बात आ जाती है यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन बाय करने है। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नहीं भाई ऊपर जाएगा तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करने है। अगर आपको लगता है मार्केट इस लेवल से नीचे जाएगा तो यहाँ से आपको पुट ऑप्शन पकड़ना है और कर देना है बाय, सेल नहीं करना। सेल का अलग सिनेरियो है, उसकी वीडियो अलग आएगी। यहाँ पे अभी हम बाय का सिनेरियो पकड़ के चल रहे हैं। आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल पे बाय कर देना है, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो आपको सेल यहाँ पे बाय कर लेना है पुट ऑप्शन। सेल का हम अलग क्राइटेरिया है, इसके बारे में बात अलग करेंगे, फिलहाल हम कर रहे हैं कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय के बारे में। तो इसमें भी दो चीज़ें निकल कर आती हैं, एक आता है आपका एट द मनी ऑप्शन, एक ऑप्शन आता है आपका इन द मनी, एंड तीसरा आता है आपका आउट द मनी ऑप्शन। तो तीनों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो लेवल चल रहा है 32,500 का, हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं ये लेवल चल रहा है। अगर हमें कॉल ऑप्शन बाय करना है 32,500 के ऊपर, 32,500 के ऊपर कौन सा लेवल आएंगे भाई आपके, ये आ जाएंगे, माफ़ कर दीजिएगा ज़रा, यहाँ पे मान लीजिए आपका 32,500, नीचे के लिए आ जाएगा 32,600, ऊपर आ जाएगा 32,400। तो ये ऑप्शन हो गया आपका ऐड द मनी, ये हो गया इन द मनी,
एंड ये हो गया आउट द मनी। जो सेम लेवल का पकड़ेंगे आप, जैसे जो मार्केट पे प्राइस चल रहा है, अगर उस लेवल का पकड़ेंगे तो आपको ऑप्शन खिलाया जाता है इन द मनी ऑप्शन। अगर आप ऊपर का पकड़ते हैं, अगर मार्केट जैसे 32,400 या 500 से ऊपर है, तो इसे कहते हैं हम ऐट द मनी। इसके आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। ऐट द मनी के आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका जो ऑप्शन डिके होने वाला है वो लेट होगा इन द मनी ऑप्शन से। अगर आप पकड़ते हैं आउट द मनी ऑप्शन वीकली का हो या मंथली का हो, तो उसके आपको सबसे कम पैसे देने पड़ेंगे। उसके नीचे कम रीज़न बताने वाला हूँ, क्योंकि जो आपका इन द मनी ऑप्शन होता है वो चलता है आपके मार्केट के हिसाब से। बैंक निफ्टी का रेट चल रहा है तो उस रेट के आसपास आपका कॉल ऑप्शन का या पुट ऑप्शन का प्रीमियम चलने वाला है। लेकिन अगर आप ऐट द मनी पकड़ेंगे, जैसे मान लीजिए 32,400 बताया मैंने एग्जांपल में, तो उसका ऑप्शन डीके जो हमारा करंट रेट चल रहा है उससे लेट होने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी 32,400 है, यानी 100 पॉइंट नीचे है। तो उसका रेट धीरे धीरे घटेगा, ऑप्शन डीके उसका धीरे धीरे होगा, क्योंकि जो हमारे प्रीमियम्स होते हैं ये कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन अपने आप में एक टाइम बॉम्ब होते हैं। अगर इनका टाइम के साथ इनकी वैल्यू ना बढ़े तो ये खुद ही खुद डिक्रीज होते रहते हैं। अगर आपने मान लीजिए कोई कॉल ऑप्शन बाय करा है, अगर वो टाइम के साथ नहीं बढ़ा, मार्केट में मूवमेंट नहीं आया, तो ये नहीं है कि 2 रुपये का ख़रीदा तो 2 रुपये का होगा, वो धीरे धीरे खुद ही सेम रेट पे 1.5 का हो जाएगा, क्योंकि उसकी टाइम के साथ कीमत घट रही है। आप सोच रहे हो कि मैंने 2 का ले रखा है तो भाई बढ़ नहीं रहा या घट नहीं रहा कि मेरा 2 का 2 ही रहेगा, यहाँ पे ये नहीं होने वाला। यहाँ पे आपका 1.5 हो जाएगा, क्योंकि बाय में यही दिक्कत है कि आपका ऑप्शन डीके होता है, टाइम के साथ घटता रहता है। इसलिए जब मैं जिसे भी रिकमेंड करता हूँ, मैं हमेशा इन द मनी ऑप्शन बाय करने के लिए कहता हूँ। अगर आपको यहाँ पे पूरा सिनेरियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये सेम कॉल एंड पुट ऑप्शन का सिनेरियो आपका निफ्टी 50 में फिट होता है। यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में निफ्टी 50 में नहीं है, ओनली बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट नहीं है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा इंटरफेस है इसका, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं और अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर हमारे साथ आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम का सेम नेम है डिजिटल ट्रेडर अतुल, वहाँ पे आप ज्वाइन करिए और हमारे साथ अपडेट रहिए वीडियो के साथ। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ।